राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन से। रवि किशन जो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में छा जाते हैं, चर्चाओं में आ जाते हैं। और रवि किशन ने एक ऐसा बयान दिया है, उनके बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। रवि किशन ने कहा कि अगर वो चार बच्चों के पिता है तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उनका ये कहना है कि अगर बहुत पहले कांग्रेस पार्टी बिल अगर लेकर आ जाती तो वो बहुत पहले रुक जाते। दरअसल इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से उठता नज़र आ रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर जहां एक और सत्ता पक्ष बात कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष बात कर रहा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है, रवि किशन कह रहे हैं कि ये बिल अगर कांग्रेस पार्टी बहुत पहले ले आती तो वो केवल दो बच्चे के पिता रहते। लेकिन इसमें कांग्रेस ने गलती कर दी, बहुत देर से बिल लेकर आए और लेके आए भी नहीं। तो देखा यह जा रहा है कि अभी हाल ही में हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि चार महिलाओं से शादी करना यह अनुमति नहीं होती। और उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए कि एक शख्स चार महिलाओं के साथ शादी करे। दरअसल CNRC जैसा मुद्दा चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा चल रहा है और तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बकायदा जुबानी जंग करते नजर आ रहे हैं। और बहुत बड़े हद तक देखा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष अब ऐसे ऐसे बिल पर बात कर रही है, चर्चा कर रही है, जिस पर विपक्ष बात ही नहीं कर पा रहा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।